आधा बस है नाजिन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। चंद्राम गुट्टा और शाली बंडा पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, तीन अफराद जेर हिरासत, गैर महसूब 15 किलो सोना, जुमला मालियती 5 करोड़ रुपए किए गए बरामद, कमिश्नर पुलिस की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नबी खाना मौलवी के तहत मौकूफा मलगियात के मालकिन की जानिब से किराए की अदम अदायगी, सीईओ वक्फ बोर्ड ने पटेल मार्केट पहुंचकर लिया जायजा। वादिया मुस्तफा पहाड़ी शरीफ में बरहमी के आलम में बाप ने बेटे का हाथ काट दिया, पुलिस ने बाप को किया गिरफ्तार, जख्मी बेटा शरीक दवाखाना। हयात नगर पुलिस ने मवेशियों के सरखे में मुलविस 3 रुकनी टोली को किया गिरफ्तार, 2 लाख रुपए मालियती भेड़ बकरियां बरामद। एसओटी माधवपुर ने ड्रग्स के 2 रैकेट्स को किया बेनकाब, 2 अफराद हुए गिरफ्तार। मजलिसी अराकन असेंबली ने मुतालिका हलकों के मुख्तलिफ इलाकों का किया पैदल दौरा, मुकामी आवाम से मुलाकात, तरक्याती कामों की पेशरफ्त का लिया गया जायजा। पेटला बुरज इलाके में दिन धारे डाका जनी, 12 अफराद ने गोल्ड मेकिंग यूनिट में दाखिल होकर चाकू की नोक पर 5 किलो सोना उड़ा लिया, डकैती की वारदात, साउथ जोन पुलिस के लिए चैलेंज। देखते हैं खबरों की तफसील। पेटला बुर्ज क्वार्टर्स के अगले हिस्से में वाके मकान में हुए एक वाके में दिन धाड़े डकैती की वारदात अंजाम दी गई, जिसके दौरान तकरीबन 5 किलो सोना उड़ा लिया गया। डीसीपी साउथ जोन 20 सत्या नारायणा ने बताया कि डाकाधनी करने वालों ने मकान में जहां जेवरात की तैयारी की जाती है वहां पर दाखिल होकर चाकू की नोक पर डरा धमका कर लूट लिया। उन्होंने बताया कि डकैती करने वाले तकरीबन 1.5 घंटा उस मकान में मौजूद थे। जुमला 12 था 15 अफराद ने डकैती अंजाम दी, जबकि जेवरात के कारखाने में 21 अफराद उस वक्त मौजूद थे। चांदमार पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया और फौरी तौर पर तहकीकात का आगाज किया गया। ये डकैती की वारदात साउथ जोन पुलिस के लिए एक चैलेंज बनी हुई है, जबकि पुलिस ने अज्म जाहिर किया है कि अंदरून 24 घंटे इस वारदात को हल किया जाएगा। आज चांदनार पुलिस स्टेशन के अंदर पेटला बुर्जू सीर हेडक्वार्टर्स में पीछे एक डकैती हुआ था। अराउंड 12:30 नून 10-12 लोग जबरदस्ती, एक निच्या दास वो बंगाल से आके यहाँ सेटल हो गया, वो गोल्ड मेकिंग यूनिट कारखाना में अंदर घुसकर 3-4 आदमी को रगजी से बंदी कर एक चाकू लेके उनको डरा कर 5 केजी गोल्ड लेके भाग गए। जाने के टाइम में वो सीसीटीवी कैमरास भी ले गए। इतना कार्नर गली में बाहर से कोई नहीं आ सकता क्योंकि वहाँ सीआर हेडक्वार्टर्स भी था, लेकिन जो मालूम है ये मामला कोई एक्स वर्कर्स, अभी काम करने वाले वर्कर्स, ये पूरा मिलकर ये रॉबरी कर दिया। हम सोच रहे थोड़ा सीसी कैमरास में क्लूस भी मिला, जल्दी से जल्दी वो डिटेक्ट हो जाएगा, हम जो आदमी है पीछे वो अरेस्ट कर हम करते। चंद्रानगुट्टा और शालीबंडा पुलिस ने मुश्तरीका तौर पर कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से गैर महसूब 15 किलो 239 ग्राम सोना, जुमला मालियती 5 करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने मीडिया को तफसीलात बताई और कहा कि हिरासत में लिए गए अफराद में 42 साल वी मनोज कुमार,
प्रदीप अग्रवाल के अलावा याश्वी अग्रवाल शामिल हैं। मुजरिम नंबर 3 चार कमान में वाक़े राजाराम ज्वेल्स का मालिक बताया गया है, जबकि दीगर दो उसके पास मुलाजमीन हैं। पुलिस के मुताबिक जब ऑटो रोक कर पूछताछ की गई तब उन्होंने शनाख्त बताने से इनकार किया। तहम तनखी पर सोना बरामद किया गया जो वो मैसूर और बेंगलोर में फरोख्त करने के लिए ले जा रहे थे। కొంత నాకాబందీ చేస్తూ అక్కడ వెహికల్స్ని చెక్ చేస్తున్న సందర్భంగా ఒక ఆటోలో ఇద్దరు వ్యక్తులు ఆగకుండా వెళ్ళిపోయారు. నిన్న సాయంత్రం జరిగింది ఇది ఇన్సిడెంట్. జరిగినప్పుడు వీళ్ళకి అనుమానం వచ్చి ఆ పైన ఉన్నటువంటి పోలీస్ స్టేషన్ చంద్రాయన గుట్టలో ప్రకాష్ రెడ్డి ఇన్స్పెక్టర్ మరియు వాళ్ళ టీంను అలర్ట్ చేసినప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ ఆ సమయం వాళ్ళిద్దరి కోఆర్డినేషన్లో వీళ్ళని ఈ ఆటోను అదుపులోకి తీసుకొని చెక్ చేయగా దానిలో ఈ సరుకు బయటపడింది. 15.239 కేజీల బంగారు ఆభరణాలు విలువ 5 కోట్లకు పైగా ఉంటుంది సుమారు. సో దీన్ని ఇద్దరు వ్యక్తులు వైష్ణవ్ మరియు ప్రదీప్ వీరు ఎవరు అని విచారించగా వీరు రాజారాం జ్యువెల్స్ వీర హనుమాన్ కాంప్లెక్స్ ఉర్దూ షరీఫ్ కమాన్ చార్మినార్ అక్కడ పనిచేసేవారుగా గుర్తించడం జరిగింది. గుర్తించిన తర్వాత వీరి ఓనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో యశస్వి అగర్వాల్ ఈయన్ను కూడా మనం అదుపులోకి తీసుకొని ప్రశ్నించడం జరిగింది. ఎందుకు ఇట్లా తరలిస్తున్నారు, వీటికి సంబంధించిన రసీదులు కానీ వీటికి సంబంధించిన అకౌంట్స్ కానీ ఏమీ లభించలేదు. లభించినందుకు మేము వెంటనే వీళ్లను మా అదుపులోకి తీసుకొని ఈ బంగారాన్ని సీజ్ చేసి ఇప్పుడే సరీష్ కుమార్ అడిషనల్ డైరెక్టర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్తో మాట్లాడాను. వాళ్ళ అధికారులు ఇప్పుడు వస్తున్నారు, వచ్చి దీనికి సంబంధించిన వివరాలన్నీ వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు. ముందు వారి అదుపులోకి తీసుకుంటారు. ఇవన్నీ తీసుకున్న తర్వాత దీనికి ఉన్న అకౌంట్స్ చెక్ చేసి అవసరమైతే ట్యాక్స్ కట్టించి ట్యాక్స్ కానీ పెనాల్టీస్ కట్టించిన తర్వాతే ఆ పై చర్యలు ఇంకా ఏమన్నా అదనపు చర్యలు తీసుకోవాలంటే వారు ఆలోచిస్తారు. దీనిలో మనకి ప్రాథమిక విచారణలో తెలిసింది ఏమిటంటే జాయ్ లుక్కాస్ మైసూర్ బెంగళూరులో ఉన్నటువంటి షాప్స్ ఇక్కడ ఈ రాజారాం జ్యువెల్స్ వారి సహాయంతో కొన్ని నగలను ఇక్కడ చేయించ మరి వారు ఆటో దాటిపోయింది కదా వదిలేద్దాము అట్లా కాకుండా పట్టుదలతో వాళ్ళిద్దరు కూడా లింగయ్య అండ్ ప్రకాష్ రెడ్డి వారి టీమ్స్ ముఖ్యంగా ఫయాజ్ గారి గైడెన్స్తోని సత్యనారాయణ గారి నాయకత్వంలో గౌస్ మొహిద్దీన్ గారి నాయకత్వంలో ఈ సీజర్ చేయగలిగారు. వారందరికీ నా అభినందనలు. వారికి ప్రత్యేకంగా వారికి తగు రివార్డ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. پٹیل مارکیٹ میں واقع نبی خانہ مولوی کے تحت موقوفہ تقریباً 300 ملیات کے مجملہ 100 سے زائد ملیات سے کرایہ موصول نہ ہونے پر وقف بورڈ نے کارروائی کی اور سی او اور وقف ٹاسک فورس کے عہدیداروں کو جائزہ لینے کے لیے مقام پر بھیجا گیا. بعضاں یہ بھی انکشاف ہوا کہ 100 سے زائد ملیات ایک ہی شخص کی نگرانی میں ہے جس نے مختلف افراد کو یہ کرائے پر دے رکھی ہیں. سرنشین تلنگانہ بغبور محمد سلیم کے مطابق مارکیٹ حساب سے کرایہ وصول کرنے کے سلسلے میں اقدامات کیے جا رہے ہیں اور 18 ایگریمنٹس بھی تیار کیے جائیں گے. تاہم یہ انکشاف نہ ہو سکا کہ 100 سے زائد اوقافی ملگیات اپنے قبضے میں رکھنے والا شخص آخر کون ہے. اور ہاؤس کمیٹی کی میٹنگ میں اکبر صاحب بھی جو ایشو کو اٹھائے بالکل بجائے ہو, کیونکہ اکبر صاحب بھی جو ہے نا وف کے معاملے میں مینارٹی کے معاملے میں انہوں سیریسلی جو ہے نا ہر اسمبلی میں سی ایم صاحب کو بھی یادداشت دلا رہے ہیں, ہاؤس کمیٹی کو بھی دلایا اور سی او کی بھی کل بات کرے, کلیکٹر کی بھی کل کلاس ہوئی کل سنے. اکبر صاحب کی بات پہ میں بھی تائید کرتے ہوئے جو ہے کیونکہ جو یہ لوگ جو حرکت کرے ہیں ہمارا اسٹاف بھی اس میں انوالو ہے. اسٹاف اور یہ سب مل کے جو نا ملی بھگت سے جو کام ہوا یہ کام بالکل نہیں چلے گا, کیونکہ 2001 میں بھی جو ہے نا میں وقف بورڈ چیئرمین تھا 2001 سے 4 تک, تو بلڈر اور کرایہ داروں کے اس میں تھا, وہ وقف بورڈ قبضہ نہیں لیا تھا اس کا. 2002 یا 3 میں جو ہے نا میں اس کا قبضہ لیا, لے کے اسی ٹائم 30-32 لاکھ روپے کرایہ وصول کرے تھے ہم. اس کے بعد میں پھر ویسی پینڈنگ ڈالے, کیا کرے یہ لوگوں نہیں معلوم. پھر اب پھر میرے پیریڈ میں جو ہے نا ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو پورا سیٹلائٹ کر کے جو ہے ان شاء اللہ اس کو جو ہے نا کرایہ داروں کو پورے مارکیٹ سے جو ہے نا مارکیٹ میں اگر 100 روپے فٹ ہے تو 50 روپے کم سے کم 50 روپے فٹ دے بولیں گے ہم کو. 50% ڈسکاؤنٹ دے سکتے, اس سے زیادہ کم تو ہم نہیں دے سکتے, نہیں تو ایویکشن نوٹس دے کے ان لوگوں کو خالی کریں گے, نہیں تو جو ہے نا
पुलिस को और कलेक्टर और बल्दिया और सब पुरों को मिला के जो ना वहाँ जाके ये करेंगे हम लोग, खाली कराने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि वो लोगों ने किरायानामा भी नहीं है आज तक। अगर एम्प्लॉयज भी कर रहे होंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी इसकी, हम किसी को छोड़ेंगे ना इसके अंदर, समझे आप। और मैं अकबर साहब की भी तारीफ इसलिए करता हूँ कि उन्होंने भी वफ के मामले में, मैनेटी के मामले में जो हर जगह इशू उठाते हैं, तो मैं भी उनको मुबारकबाद देते हुए जो है ना इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमारे सीएम भी सेकुलर सीएम है। सरवा पुलिस से वाबस्ता एसओटी माधोपुर ने बचुपली में धावा करते हुए दो ड्रग्स रैकेट को बेनकाब किया और दो अफराद को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। एसओटी के मुताबिक मस्कुरा मकाम से 200 लीटर बेंजील सैनाइड के अलावा 400 किलो एल्पाजोलोम जब्त किया गया। एसओटी पुलिस ने बाजा मुलजमीन को जब्त शुदा अशिया के हमरा मजीद कार्रवाई के लिए बचुपली पुलिस के हवाले किया। वादी मुस्तफ़ा वाक़े पहाड़ी शरीफ में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में एक बाप ने अपने ही बेटे का हाथ कलाई से अलग कर दिया। पहाड़ी शरीफ पुलिस के मुताबिक मोहम्मद खय्यूम कुरैशी अपने जवां साल फर्जंद मोहम्मद खालिद कुरैशी की जानिब से मोबाइल फ़ोन खासकर सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर काफ़ी बरहम था और इस सिलसिले में उन्होंने कई वार्निंग्स भी दे रखी थी। ताहम पीर की रात वो आपे से बाहर हो गए और जब खालिद कुरैशी नींद में थे उस वक्त सत्तूर से कुंदे पर हाथ रखते हुए अलग कर दिया गया। खालिद कुरैशी को शदीद जख्मी हालत में दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया, जबकि मोहम्मद कय्यूम कुरैशी को पहाड़ी शरीफ पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अतन की अनारोग्य उड़ी हाइपर टेंशन तरह అప్పుడప్పుడు అతని గురించి వేరే వాళ్ళు ఏదైనా వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు మాట్లాడుకున్న తన గురించి ఏదో చెడుగా మాట్లాడుతున్నారని భావించుకోవడం, తర్వాత ఇతని మాట ఎవరు వినడం లేదనే ఒక దీంతోన ఈ ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ చేయలేక ఇతను కొడుకుపై కోపం పెంచుకొని ఈ విధంగా చేసినట్లు మనకు తెలుస్తుంది. కాబట్టి అతన్ని కూడా అదుపులోకి తీసుకొని ఆ కత్తి కూడా ఏదైతే రక్తపు మరకలు ఉన్న కత్తిని కూడా స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. मणिकांता नगर मीरपेट में वाकई एक इमारत से छलांग लगाकर 26 साल इंजीनियरिंग कॉलेज के तालिबे इल्म ने खुदकुशी कर ली। मीरपेट पुलिस के मुताबिक 26 साल विक्रम मुतालिम बीटेक टीकेआर इंजीनियरिंग कॉलेज मुतवतीन मंचरियाल ने अपने दोस्त के रूम पर पहुंचकर और मस्कुरा इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी की। पुलिस के मुताबिक इम्तहानात में नाकामी और बैकलॉग्स को लेकर वो काफ़ी परेशान था और उसने इंतहाई इकदाम किया। इत्तला मिलते ही मीरपेट पुलिस ने नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। हयातनगर पुलिस ने मवेशियान के सरखे मुलविस टोली को गिरफ्तार करते हुए टोली के अराकीन के कब्जे से 10 भीड़ बकरियां और 2 मोटर कारों के अलावा एक बाइक जुमला मालियती 2,10,000 रुपए बरामद कर लिए। हयातनगर पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में 27 साल ईजी संतोष साकिन मलकाजगिरी, 20 साल बी सुधाकर साकिन ईसीआईएल और 21 साल एम साई चरण साकिन ईसीआईएल शामिल हैं। अराचाकुंडा कमिश्नरेट हदूद में मस्कुरा टोली के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में तकरीबन 12 केसेस दर्ज हैं। मुजरिमीन को बाजा अदालती तहवील में दिया गया। आईडीए बुलारम पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके जात में पुलिस की जानिब से घर घर तलाशी मुहिम चलाई गई। एसपी चंद्रशेखर रेड्डी की क्यादत में बीसी कॉलोनी और अतराफ और अकनाफ के इलाकों में मुहिम चलाई गई, जिसमें 100 से ज्यादा पुलिस अहलकारों ने हिस्सा लिया, जबकि 100 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को पूछताछ की गरज से हिरासत में भी लिया गया। बगैर दस्तावेजात की तकरीबन 40 मोटर बाइक्स, 4 ऑटोज और 4 मोटर कारों को भी इस मौके पर जब्त किया गया। कुल्लू में सादर मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली मुतालिक हलकजात के इलाकों में पैदल दौरा करते हुए मकामी अवाम से मुलाकात करते हैं और हलके में जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का भी जायजा लेते आए हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हलके मलकपेट अहमद बलाला ने छावरी डिवीजन के इलाके बाग जहारा का तफसीली दौरा किया और इलाके में जारी तरक्याती कामों का उन्होंने मुआयना किया और इस सिलसिले में कामों की पेशरफ्त का भी उन्होंने जायजा लिया।
इस मौके पर उन्होंने अवामी शिकायतों की समाअत करते हुए तयक्कुन दिया कि वो मसाइल को मुमकिन तौर पर जल्द अज जल्द हल करेंगे। इस मौके पर उनके हमरा सरगर्म मजलिस कारकुनान भी मौजूद थे। कुली में सारे मुस्लिमीन रुकन असेंबली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज ने मांगोड़ बस्ती अफजल सागर और जवाहर नगर इलाकों का दौरा करते हुए मकामी अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकिफियत भी हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा नुमाइंदा कॉरपोरेटर के अलावा सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। उन्होंने बलदी बरकी और आबरसानी मसाइल का भी जायजा लिया। वाज रहे कि मांगोड़ बस्ती के मकीनों की फलाह बहबूद के लिए बेजोन पुलिस की जानिब से कई इकदाम करते हुए उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है ताकि वो मुजरिमाना सरगर्मियों से दूर रहें। कमिश्नर जीएचएमसी बी जनार्दन रेड्डी ने मजलिसी रुकने असेंबली हल्के कारवान कौसर मोहियुद्दीन के हमरा गोलकुंडा डिवीजन और अतराफ अकनाफ के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बलदी मसाइल के सिलसिले में जायजा लिया गया। बाद मीडिया को उन्होंने बताया कि हकीम पेट कुंटा टोली चौकी नदीम कॉलोनी कटोरा हाउस शातान तालाब और दीगर मकाम का तफसीली तौर पर दौरा किया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि हुकूमती डबल बेडरूम स्कीम के सिलसिले में भी अराजी की निशानदेही करवाई गई है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों के तालमेल से मनसूबा तैयार किया जाएगा। उन्होंने तालाबों के तहफ़ और गैर मजाज कब्जों को रोकने की गरज से तालाब तहफ़ कमेटीज तश्कील देने का भी ऐलान किया। इस दौरे के मौके पर मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। एंड सलाम अलैकुम, स्वच्छ सलाम। आज और ऑनरेबल एमएलए कौसर महीउद्दीन और एक कॉरपोरेटर और जोनल कमिश्नर चीफ इंजीनियर हमारा पूरा जीएचएमसी टीम एक कारवान कॉन्स्टिट्यूएंसी में दौरा किए। इससे पहले भी दौरा करके जोनल और सर्किल से जो प्रपोजल है 2 करोड़ सैंक्शन किए वो पूरा। आज भी सुबह से अखीमपेट कुंटा एंड टोली चौक चौरस्ता अकबरपुरा शातम तालाब नदीम कॉलोनी जमाइल कुंटा क्यू नगर बंजारा ड्रेनेज एंड कटोरा हाउस रेशम बाग एंड जीएचएमसी वार्ड ऑफिस एरिया एंड प्रपोजल फॉर 2 बेडरूम हाउसेस जहां गोलकोंडा पुलिस क्वार्टर के पास जो वाटर का लैंड है वो भी फिजिबिलिटी स्टडी करके और कुछ इमीडिएट लेने का है। कुछ टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड एएसआई से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से कुछ परमिशन लेके करने का है, कुछ जीएचएमसी करने का है एंड इसमें जो भी शॉर्ट टर्म में करने का वो एस्टिमेट्स बनाएंगे और सैंक्शन भी देंगे। थोड़े काम मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म भी है बहुत सारा। ये जो भी कटोरा हाउस है और शातम तालाब है ये पूरा जो भी लेक्स है इधर वो लेक्स क्लीनिंग प्रोसेस को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए तो वो परमानेंट सॉल्यूशन होता, टेम्पररी सॉल्यूशन डाइवर्शन करना है। ये दो भी मुद्दे हम गवर्नमेंट के सामने रखे, वाटर बोर्ड HMDA GHMC एंड मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये चारों ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक ज़बरदस्त प्लान करके ये जो भी लेक्स है वो लेक्स प्रोटेक्शन करना और सीवेज ट्रीटमेंट प्लान करके अच्छा पानी सेकेंडरी टर्शियरी ट्रीटमेंट करके उसमें छोड़ना और छोड़ने के बाद वाटर हाइसिंथ का जब रिन्यूअल करने का वो इंतज़ाम करना और लेक डेवलपमेंट का भी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे कुछ स्टेट गवर्नमेंट में भी है। ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हम ले लेंगे एंड जो भी वर्क्स हुए उसका प्रोग्रेस रिव्यू किए एंड कंसर्न इंजीनियर्स एंड डिप्टी कमिश्नर से। सो ये आज का टूर है और MLA सब शातम तालाब के फेंसिंग भी करेंगे बोला ना हमें, शातम तालाब भी देखे और थोड़ा इंक्रोचमेंट्स है जहाँ भी इंक्रोचमेंट्स है वो बाउंड्री फिक्सेशन करना है। बाउंड्री फिक्स करने के बाद फर्दर इंक्रोचमेंट एटलीस्ट रोकने के लिए वो फेंसिंग करना है एंड ये लेक प्रोटेक्शन कमिटीज भी हम बना रहे हैं। और इससे पहले क्या हुआ ये एक ये लेक में डिब्रिज डाल रहे हैं नाइट में आके लोग और इंक्रोच कर रहे हैं, कंपाउंड वाला बना रहे हैं, जानवरों को पाल रहे हैं। इससे क्या होता जो बरसात में बहुत मुश्किल हो रहा है वो पानी नहीं जा पा रहे, इसीलिए लेक प्रोटेक्शन हर एक लेक को दिन और रात CC कैमराज भी लगाएंगे और थोड़ा लेक प्रोटेक्शन कमिटी को लगा के वो आदमी राउंड द क्लॉक विजिल भी रहेगा। सदर मोहतरम की हिदायत पर और अली जनाब अकबर साहब की हिदायत पर हल्के कारवान कमिश्नर का
تفصیلی پیدل دورہ ہوا جس کے اندر آج اکبر صاحب کو ٹائم لیے تھے کمشنر سے مگر آج چند وجوہات کی وجہ سے اکبر صاحب نہیں آ سکے اور انہوں نے اجازت دیا کہ حلقہ کاروان کے تمام وارڈز کے اندر تفصیلی دورہ کرائے اور جو یہاں کے مسائل ہیں ان تمام مسائل سے واقف کرائے کمشنر کو اور جس کے پاس اکبر صاحب کی ہدایت پر پہلے ٹولی چوکی جنکشن کا جو امپلیمنٹ کا ہے اس تعلق سے تفصیلی دورہ کرائے ان کو بتایا کہ کئی سال پہلے یہ ایچ ایم سی کی جانب سے روڈ ورڈنگ کے نام سے پیسے لیے جس کے بعد پھر اسی طرح سے پینڈنگ ہے اور وہاں ٹولی چوکی جنکشن امپلیمنٹ کرانے کے جس کے بعد پھر ٹولی چوکی سے اکبر پورہ روڈ اکبر پورہ سے شاتم تالاب جو شاتم تالاب پہ آج سے چھ مہینے پہلے حبیب ملت جناب بیرس صاحب کے ہاتھوں سے سنگ بنیاد رکھا گیا تھا جو سرپلس واٹر جو شاتم تالاب کا جو اوپر سے جو فلو آتا ہے وہ ناقابل برداشت تھا جو دو ٹنل اس کے لیے دو کروڑ چلر کی لاگت سے سرپلس واٹر وہ بنایا جا رہا ہے برج اس کا تفصیلی دورہ کرے کندختہ اور برج کا دورہ کرے وہاں سے شاتم تالاب ڈیولپمنٹ کے تعلق سے جو حال ہی میں صدر صاحب خود ایک پلان بنا کر دیے تھے چیف منسٹر کو اس کے تعلق سے بھی بتایا اور کمشنر نے زونل کمشنر چیف انجینئر ایس سی اور ایگزیکٹو انجینئر سے تفصیلات لیا وہ کہیں چار سے پانچ کروڑ کی لاگت کا شاتم تالاب ڈیولپمنٹ پلان بنایا گیا انشاءاللہ ان قریب میں اس کا بھی منظور کریں گے کلم نظام میں ڈویژن کارپوریٹرز بھی مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کر رہے ہیں اور بلدی مسائل کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے کے تحت ڈویژن کارپوریٹر تالاب چنچلم نسرین سلطانہ نے امان نگر اور دیگر علاقوں میں نالوں کا دورہ کیا اور عہدیداروں کے ہمراہ مذکورہ نالوں کا تفصیلی طور پر معائنہ کیا۔ انہوں نے محکمہ سیوریج کے عہدیداروں کو اس جانب توجہ مبذول کروائی اور ان کاموں کی عاجلانہ تکمیل پر زور دیا۔ مجلسی کارپوریٹر کے ہمراہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ آئے دیکھتے ہیں کہ بات کی خبریں۔ ریاستی وزراء پی ایس نواس ریڈی کی قیادت میں کابینی سب کمیٹی کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے بعد ریاستی وزیر نے میڈیا کو بتایا کہ منگل کو منعقدہ اجلاس میں ریاست بھر کے اضلاع کی جانے والی زرعی پیداوار اور حکومت کی جانب سے کسانوں کو دی جانے والی سہولتوں پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ سنچار پشو ویدشالا 1962 అని మొబైల్ వెహికల్ కూడా ఒక 100 వెహికల్స్ కొనుకొని అవి కూడా మీ జిల్లాలకు పంపించడం మీ కాన్సెస్ పంపించడం దానికి ఏంటంటే సీఎం గారి ఆలోచనల్లా ఏదో గొర్రెలిచ్చే దొలు చేతులు దొలుకోవడం కాకుండా దానికి మందు కానీ మాపు కానీ రెండోది ఇప్పుడు ఎండాకాలం ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది మేత గడ్డి ఈ గడ్డి కూడా ప్రభుత్వమే మీకు సరఫరా చేస్తుంది రెండోది అది కూడా 75% సబ్సిడీ మీద గడ్డి విత్తనాలు కూడా మనం ఇస్తున్నాం మీరు కూడా మీకు పొలం ఉంటే కొంత మీ యొక్క పశువుల కోసం కొంత మేత కోసం మీరు కూడా మీ పొలంలో గడ్డి పండించుకోండి గవర్నమెంట్ ఇచ్చేది గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది మన దగ్గర కూడా ఉంటే కొంత సపోర్టుగా ఉంటుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ కార్యక్రమం శ్రీకారం చుట్టినాం। ریاست میں قانون ساز کونسل کے پربھاکر نے بی جے پی قائدین کی جانب سے 5 مارچ کو وریالہ کے خلاف پرگتی بھون پر کیے جانے والے احتجاج کو مضحکہ قیس قرار دیا۔ انہوں نے بی جے پی اور ان کے قائدین پر سخت تنقید بھی کی۔ ٹی آر ایس رکن خانساز کونسل کے پربھاکر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی قائدین کی جانب سے 5 مارچ کو وزیر اعلیٰ کے خلاف پرگتی بھون پر کیے جانے والے احتجاج کو مضحکہ خیز قرار دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک تو بی جے پی قائدین کو 10 دن کے بعد وزیر اعلیٰ کے بیان کے خلاف احتجاج کرنے کا خیال آیا، دوسرے بی جے پی نے کسی بھی عوامی مسائل پر احتجاج کرنے کی بجائے صرف غیر ضروری احتجاج کو ترجیح دی ہے۔ انہوں نے بی جے پی قائدین سے کہا کہ اگر بی جے پی قائدین کو ریاست کی عوام سے ہمدردی ہو تو وہ وزیر اعظم نریندر مودی پر دباؤ ڈالتے ہوئے مرکز سے ریاست کو فنڈز جاری کروائیں۔
तेलंगाना तेलुगुदेशम खान आर चंद्रशेखर ने मीडिया से बात करते हुए रहना तेलंगाना के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि चार साल दौरे इख्तदार में टीआरएस हुकूमत ने 1,00,000 करोड़ रुपए से जायद का बजट तो मख्तस किया, लेकिन 50% बजट भी खर्च नहीं किया गया। उन्होंने कहा कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तामीर कामों पर तवज्जो मरकूज करते हुए रियासत के दीगर 5 आपपोशी प्रोजेक्ट्स को नजरअंदाज कर दिया गया है। इस मौके पर माइनॉरिटी कायद ताजुद्दीन के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान राकेश रेड्डी ने विधायक तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से सवाल किया है कि वो क्यों बीजेपी से घबराहट महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस ने अपने 4 साल दौरे इख्तदार में रियासत की अवाम की फलाह बहबूद के लिए क्या इकदाम किए हैं, इसकी वजाहत की जाए। उन्होंने कहा कि टीआरएस ने किसानों को जेल भेजा है और हैदराबाद से धरना चौक बर्खास्त करते हुए अपोजिशन की आवाजों को दबाने की कोशिश की है। तेलंगाना असेंबली और काउंसिल के बजट इजलास का 12 मार्च से आगाज होगा और इस बात का खबी इम्कान है कि 15 मार्च को साल 2018-19 का बजट भी पेश किया जाएगा। बजट इजलास का आगाज गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन के खुतबे से होगा। गवर्नर सुबह 10 बजे असेंबली और काउंसिल के मुश्तरका आयवान से खिताब करेंगे। रियासती टी श्रीवास यादव की जानिब से सेक्रेटरियट में एक इजलास का इनेकाद अमल में आ गया। बाद में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस मौका परस्त सियासी जमात है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस धोखेबाज जमात है और सिर्फ वोट हासिल करने के लिए आवाम से वादे कर रही है, ताहम इख्तदार पर फायज होने के बाद वो वादों को फरामोश करती आई है। आखिर में हम खबरें एक बार फिर चंद्रांगुटा और शालीबंडा पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, 3 अफराद जेर हिरासत, गैर महसूब 15 किलो सोना, जुमला मालियती 5 करोड़ रुपए किए गए बरामद, कमिश्नर पुलिस की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नबी खाना मौलवी के तहत मौकूफा मलगियात के मालकिन की जानिब से किराए की अदम अदायगी, सीईओ वक्फ बोर्ड ने पटेल मार्केट पहुंचकर लिया जायजा। वादिया मुस्तफा पहाड़ी शरीफ में बरहमी के आलम में बाप ने बेटे का हाथ काट दिया, पुलिस ने बाप को किया गिरफ्तार, जख्मी बेटा शरीक दवाखाना। हयातनगर पुलिस ने मवेशियों के सरखे में मुलविस 3 रुकनी टोली को किया गिरफ्तार, 2,00,000 रुपए मालियती भेड़ बकरियां बरामद। एसओटी माधवपुर ने ड्रग्स के 2 रैकेट्स को किया बेनकाब, 2 अफराद हुए गिरफ्तार। मंजीसी अराकन असेंबली ने मुतालिका हलकों के मुख्तलिफ इलाकों का किया पैदल दौरा, मुकामी आवाम से मुलाकात, तरक्याती कामों की पेशरफ्त का लिया गया जायजा। पेटला बुरज इलाके में दिन धारे डाका जनी, 12 अफराद ने गोल्ड मेकिंग यूनिट में दाखिल होकर चाकू की नोक पर 5 किलो सोना उड़ा लिया, डकैती की वारदात साउथ जोन पुलिस के लिए चैलेंज। इसी के साथ रूबी न्यूज यहीं अख्तिताम पजीर होती है। रियासती कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाजत लेते हैं कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलामु अलैकुम।